ओके, व्हाट कम्स आफ्टर एच? आई. व्हाट कम्स आफ्टर एच? आई. अब कैपिटल आई लिखेंगे हम. फर्स्ट लाइन पर पेंसिल रखकर थर्ड लाइन तक एक स्ट्रेट लाइन लगाई. अब इस आई को ऊपर से भी हमने बंद कर देना है और इसके नीचे से भी इसको बंद किया, तो ये क्या बन गया? कैपिटल आई. वेरी गुड. ओके, अब इसके साथ हम लिखेंगे स्मॉल आई. सेकेंड लाइन, सेकेंड डॉट पे पेंसिल रखकर थर्ड डॉट तक एक छोटी सी लाइन लगाई. अच्छा जी, इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगी ये स्मॉल आई बन जाएगा? हाँ जी, एक डॉट लगाऊंगी, तो ये क्या बन गया? आई. व्हाट कम्स आफ्टर आई? जे. ओके, फर्स्ट डॉट पर पेंसिल रखकर, फर्स्ट लाइन के डॉट पर पेंसिल रखकर थर्ड लाइन के डॉट से मिलाया और हल्का सा इसको ऊपर की तरफ टर्न किया और इसको जे को ऊपर इसके कैप पहना दी, तो ये क्या बन गया? कैपिटल जे. ओके, अब देखें आपने स्मॉल जे कैसे लिखना है. सेकंड लाइन के डॉट पर पेंसिल रखते हुए फोर्थ लाइन के डॉट से मिलाया, स्लाइटली टर्न और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? एक डॉट, तो ये क्या बन गया? स्मॉल जे. ओके, व्हाट कम्स आफ्टर जे? के. व्हाट कम्स आफ्टर जे? के. ओके, फर्स्ट लाइन के डॉट पे पेंसिल रखकर थर्ड लाइन तक स्ट्रेट लाइन लगाई, इसी तरह ओवरलैपिंग करते हुए सेकंड लाइन के पास गए. अब इधर से फर्स्ट लाइन पे एक लाइन टेढ़ी लाइन लगाई और फिर ओवरलैपिंग करके फिर सेकंड लाइन पर और फिर थर्ड लाइन पर एक टेढ़ी लाइन लगाई. देखिए, मैंने पेंसिल नहीं उठाई. अब हमने लिखना है स्मॉल के. ये नर्सरी क्लास गौर से देख लें ज़रा. फर्स्ट लाइन के डॉट पे पेंसिल रखकर थर्ड लाइन तक एक लाइन लगाई, फिर हमने सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन के सेंटर, सॉरी, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के सेंटर में एक छोटा सा डॉट लगाया. आपने खुद से लगाना है, ओके? मामा को नहीं बोलना, खुद से लगाना है. और सेकंड और थर्ड के सेंटर में जब हमने डॉट लगा लिया तो इस डॉट को सेकंड लाइन से मिलाया, फिर ओवरलैपिंग करते इस डॉट से मिलाकर फिर थर्ड लाइन पे मिलाया, तो ये बन गया स्मॉल के. एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ साइड पर. फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक एक लाइन लगाई. अब ये सेकंड और थर्ड के सेंटर में मैंने एक छोटा सा डॉट लगाया और इस डॉट को सेकंड लाइन से और फिर ओवरलैपिंग करते हुए थर्ड लाइन से मिलाया, तो ये क्या बन गया? स्मॉल के. व्हाट कम्स आफ्टर के? एल. फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखकर थर्ड लाइन तक एक लाइन लगाई, फिर थर्ड लाइन के आगे एक छोटी सी लाइन, तो ये क्या बन गया? कैपिटल एल. ओके, स्मॉल एल लिखेंगे. फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखते हुए थर्ड लाइन के डॉट से मिलाया और स्लाइटली टर्न, तो ये क्या बन गया? स्मॉल एल. किनर्सी क्लास, अगर आप स्मॉल के ऐसे लिखोगे तो ये है रॉन्ग, ये राइट है. ओके, अल्लाह हाफिज़. अच्छे से करना है काम और मैम को चेक करवाना है. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.